विगत दो दिन पहले एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को एक लड़का बहला फुसलाकर अपने साथ आधी रात को अगवा कर ले गया था। परिजन पहले अपने स्तर पर खोजबीन करते हैं, लड़की का पता लगाने का हर संभव प्रयास दिखाते, किंतु लड़की का सुराग न लगने पर परिवार जन नजदीक गर्रोली चौकी पहुंचकर सूचना देते। चौकी प्रभारी द्वारा धारा 363 के तहत मामला दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन परिजनों द्वारा जिन लोगों पर संदेह जाहिर किया जाता है उन्हें ना तो थाने बुलाया जाता है और ना ही पूछताछ की जाती है। इस तरह पुलिस की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट परिजन बीते रोज छतरपुर आए और अपनी आप बीती समाज से भी वाराणसी मानव अधिकार सेवा संगठन के जिलाध्यक्ष नेहा सिंह को बताया। इसके बाद उनके द्वारा एक शिकायती आवेदन बनाकर पुलिस अधीक्षक छतरपुर को दिया, वही साथ ही अन्य अधिकारियों को मामले से अवगत करवाते हुए उचित कार्रवाई करने की बात करते। समाज सेवी और जिलाध्यक्ष नेहा सिंह ने बताया कि अगर नाबालिग लड़कियों के सोशल उत्पीड़न व अगवा के मामलों में पुलिस की ऐसी कार्यप्रणाली रहेगी तो इस तरीके से पीड़ित परिवार का क्या होगा। अगर जल्द ही इस मामले में नौगांव थाना व गरोली चौकी पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई करते हुए अगवा की गई नाबालिग लड़की को दस्तयाब नहीं किया गया तो इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों तक की जाएगी। लगती है और नौमौत थाना लगता है, ये लड़का की घटना है। हमारे मौसी के लड़के हैं, इनकी 15 वर्षीय बच्ची को कुछ लोग बहला फुसला के या मतलब भगा ले गए हैं और इनके कहने अनुसार इनको शक है कि गांव के ही लड़के हैं जिसका नाम प्रेमचंद रैकवार, पिता का नाम पप्पू रैकवार है और उस पर शक है। अभी तक हमने चौकी गर्रोली में भी रिपोर्ट कराई है और थाना नौगांव में भी। तो मामला दर्ज हो गया क्या? हाँ, संजय विद्या जी के उसमें देख रेख में। तो जब मामला दर्ज हो गया तो एसपी ऑफिस आने की क्या जरूरत आई है? क्योंकि अभी तक ना उन्होंने उन लड़कों को पकड़ा है ना कोई कार्रवाई की है और हम वहाँ जाते तो हमको बोल देते हैं, दो चार दिन लगेंगे अभी।